मैं जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हूँ। अभी अभी जो है मजलिस बचाओ तहरीक को जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ऐसा तो हम जो है पिछले 30 साल से 1994 से लेके अभी तक बल्दिया इलेक्शन और असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये आयन बल्दिया इलेक्शन से पहले साजिश करते हुए हमारे कुछ मुखालिफीन और यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है ये लोग मिलकर हमारा रिकग्निजेशन को कैंसिल किए थे। जबकि 25 साल से मजलिस बचाओ तहरीक मुत्तहिदा आंध्रा में बल्दियात के इलेक्शन लड़ रही थी, उसके बाद में तेलंगाना स्टेट अलग होने के बाद में दोनों स्टेट्स में भी हम रजिस्टर कराए थे, लेकिन एक फिल्मसी ग्राउंड में हमारे को बल्दिया इलेक्शन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में MBT के नुमाइंदे होने से रोकने की कोशिश की गई थी। हम लोग फिर से अप्लीकेशन दिए, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारा काम रुक गया था, लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि आज हमारा पार्टी जो है मजलिस बचाओ तहरीक पूरे तेलंगाना स्टेट में दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजलिस बचाओ तहरीक आने वाले कोई भी बल्दिया इलेक्शन मजलिस बचाओ तहरीक के नाम पर कैंडिडेट लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ले मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शुक्रिया।